आज की जो चिकन करी है वो आती है असम से। असम के कुछ पहाड़ी इलाकों में बनता है बिना तेल ऑयल फ्री चिकन। चलिए आज हम बनाते हैं ऑयल फ्री चिकन। मैं ये ले रहा हूँ 6 पीस छिली हुई लहसुन की फलियाँ और इसे हमें क्रश करना है। गार्लिक में पानी होता है और इसे हम क्रश करेंगे ताकि ये अपना फ्लेवर रिलीज करें। अब मैं ले रहा हूँ ये कुछ कटे हुए अदरक के स्लाइस, 1 इंच अदरक है, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा तो 10 ग्राम। इसे भी हम अच्छे से कूट लेंगे और अदरक में भी पानी होता है। ऑयल फ्री चिकन के लिए हम ले रहे हैं 1 किलो चिकन, करी कट है और इसमें हम डालेंगे अदरक और लहसुन जिसे अभी हमने कूटा है, और हम मिलाएंगे यहाँ पे 150 ग्राम कटा हुआ प्याज, और प्याज में भी पानी है। ऑयल फ्री चिकन बनेगा इन्हीं पानियों में, जो इन नेचुरल पानी है इसी में पकेगा चिकन। अब हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। सो अब थोड़ा पानी और ऐड करते हैं, और ये पानी मैं ऐड कर रहा हूँ नींबू जूस के थ्रू। अब तक आप समझ गए होंगे कि ऑयल फ्री चिकन पानी में बनेगा, यानी पानी में कुक होगा। हम चिकन को रखेंगे इसी तरीके से कम आधा घंटा के लिए। चलिए कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है और मैं डाल रहा हूँ हरी मिर्च 5 पीस, 8 गार्लिक की फलियाँ यहाँ भी, और इसे हमें भुनना है, तेल तो हमें डालना नहीं। इस तरह से लोहे की कढ़ाई में अगर हम भूनते हैं तो थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर आता है। इस डिश को काफ़ी मज़ेदार बनाएगा ये स्वाद। और आज जो हम आपको रेसिपी बना के दिखा रहे हैं वो आती है असम रीजन से, और मैं डाल रहा हूँ ये छोटे टमाटर, और हम लेंगे 100 ग्राम। और इस तरह की चिकन करी असम के कुछ पहाड़ी इलाकों में बनती है। टमाटर में भी पानी है, इस बात को अभी गौर कीजिएगा। हमने रोस्ट कर लिया है टमाटर, लहसुन और ग्रीन चिली को, अब इसे निकाल के हम ठंडा करेंगे। लेंगे एक हमाम दस्ता और उसमें मिला देते हैं जो हमने अभी रोस्ट किया है, ठंडा होने देंगे, फिर इसे कूटा जाएगा। अब हम इसे क्रश करेंगे, और अच्छे तरीके से हमें क्रश करना है। यहाँ भी पानी रिलीज कर रहा है टमाटर, और इसे हमें अच्छे से कूटना है। इस तरह से भून के डालने में बहुत अच्छी फ्लेवर और टेस्ट आएगा, और इस रोस्ट की वजह से स्मोकी फ्लेवर मिलेगा, और इस तरह से क्रश करने से स्वाद निकल के आएगा। चलिए बन के तैयार है, और इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। और अब बनाते हैं ऑयल फ्री चिकन। अभी ध्यान रखिएगा, हमें गैस के फ्लेम को अभी जलाना नहीं है, यानी हमें अपना बर्तन जो है उसे गर्म नहीं करना। अगर हम गर्म करके डालेंगे तो चिकन चिपकेगा। ट्रेडिशनली असम में जब ये डिश बनाते हैं तो चिकन स्किन का भी इस्तेमाल करते हैं, मैं यहाँ पर नहीं कर रहा। अगर चिकन स्किन है तो वो हेल्प करता है कि वो नीचे पंदे में ना चिपके। अब हम गैस के फ्लेम को ऑन करते हैं और चला लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, सब्जियों के साथ पकेगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पे प्याज अवॉइड किया जा सकता है, ऑप्शनल है। अब लगाते हैं ढक्कन और इसे पकने देते हैं। ढक्कन हटाते हैं और चला लेते हैं, और यहाँ देख सकते हैं चिकन हमारा चिपका नहीं, और चिकन धीरे धीरे अपना पानी रिलीज कर रहा है। और यहाँ पे हम डाल देंगे आलू, जिसको हमने छोटे टुकड़ों में काट लिया, डाइसेस में है। ढक्कन लगा देंगे, पकने देंगे और अच्छे से भून लेते हैं। हमने एक बड़े आलू लिए थे, और अब हम 50 ग्राम बीन्स डाल रहे हैं, ये भी साथ में पकेगा। अच्छे से भून लेंगे। बहुत ही अच्छी डिश है ये, और सारा स्वाद इन सब्जियों की वजह से चिकन में आएगा, और बहुत ही मज़ेदार लगेगा। यहीं पे हम मिला देंगे पेस्ट जो हमने अभी किया था, टमाटर लहसुन और ग्रीन चिली। चलो इसे भी चला लेंगे। अब हम डालेंगे थोड़ा सा क्रश किया हुआ काली मिर्च। असम की इस चिकन करी में ज़्यादा मसाले नहीं डलते, और बहुत कम मिनिमम मसालों में बनता है ये। एक हाफ चम्मच, बड़ा चम्मच आप डाल सकते हैं काली मिर्च, और इसे अच्छे से भून लेंगे। गरम पानी पूरे 750 ml चला लेंगे। उबाल आने देते हैं। उबाल आ गया है, और यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ चावल का आटा, और ये हम लेंगे 1 चम्मच।
इससे स्वाद बढ़ के आएगा। चावल का आटा थोड़ा सा ग्रेवी को गाढ़ा कर देगा। अच्छे से हम घुमा लेते हैं और यहाँ पे हम डालेंगे पालक। पत्तों को अच्छे से साफ करके डालना है और साथ में हम डालेंगे धनिया। और आसाम में लोकल धनिया को मन धनिया बोला जाता है, थाई ग्रीन कोरिएंडर, और कुछ कुछ जगहों पे आसाम में एशियन इन्फ्लुएंस भी है खानों में। अच्छे से चलाएंगे ढक्कन और पकने देते हैं। आइए ढक्कन हटाते हैं और आंच को स्लो रखना है और चला लेते हैं। काफ़ी हेल्दी डिश है ये और सारी सब्जियों का स्वाद इस चिकन करी में है जो हमने डाला है। थोड़ी सी कसर बची है आलू में और ये हो जाएगा। और स्लो आंच में हम इसे 5 मिनट तक और पकाएंगे। तो ढक्कन हटाते हैं और अच्छे से चला लेते हैं और हमारा ऑयल फ्री चिकन बनके तैयार है। चलिए सर्व कर लें। और हम सर्व कर रहे हैं कढ़ाई में। ऑयल फ्री चिकन असम का ये डिश अपने डोमिनेंट फ्लेवर के लिए जाना जाता है और इसमें सब्जियों का इस्तेमाल होता है और साथ में होता है थोड़ा सा काली मिर्च। और ये खाई जाती है चावल के साथ। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। और रेसिपी से रिलेटेड किसी भी तरह के क्वायरी के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल से अश्विनी कुमार सिंह पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।